50 लाख खर्च करके आपने 90 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर अपने पास कर ली है, और अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है कि इसमें गलत हुआ है और पूछताछ कर रही है और गहन पूछताछ कर रही है, तो क्या इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तारीफ नहीं होनी चाहिए कि उसने इस बात की चिंता नहीं की कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी अगर हमें कहीं लग रहा गलत हो रहा तो पूछताछ कर रहे हैं? इसमें मैं भी जवाब दूंगा बाद में। पॉलिटिकली गलत हो सकता है, सही हो सकता है, एक अलग सवाल है। टेक्निकली लीगली आप कैसे देखते हैं? देखिए अशु, ये पूरा कोई भी मसला इस वक्त सबसे बड़ा दुख जो मुझे है इस बात का, और ये आज का नहीं दुख है, ये दशकों का दुख है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जो रवैया रहा है हिंदुस्तान में वो कभी सीक ट्रुथ टू पावर का नहीं रहा है, वो पॉलिटिकल वेंडेटा करा है, और ये कोई नया चीज नहीं है। संपल साहब इससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी बनाया ही नहीं, उस साख को कभी बनाया ही नहीं। और ये खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा है, सीबीआई को केस बैरेट इसीलिए कहा गया क्योंकि ये हमेशा से आरोप लगा रहा है कि जो केंद्रीय संस्थान एजेंसीज हैं वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तरह तरह से टारगेट करती हैं, इररिस्पेक्टिव उस वक्त पावर में कौन है। और यही वजह है कि जब ईडी पिछले 5 सालों में अगर आपने देखा होगा, 2017 के बाद से ईडी के नंबर ऑफ केसेस की रजिस्टर करने की संख्या में बहुत बढ़ोतरी आई है। इस वक्त अगर आप आंकड़ा देखें तो लगभग 2400 केसेस हैं जो ईडी के पास हैं। ईडी एक ऐसी संस्थान है जो असल में बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो टिपिकली पुलिस एजेंसी नहीं है, वो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आती है, वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसको फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करना है। और एक्चुअली इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस चीज का कॉग्निजेंस लेके बैठा हुआ है कि पीएमएलए की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए जो उसको इन्वेस्टिगेट करे या नहीं करे, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक लीगल सवाल उठा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक इंडिया में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ती बढ़ोतरी नहीं होगी या कोई सरकार इतनी हिम्मत दिखाएगी, तब तक हर ऐसे एक्शन को पोलिटिकल तरीके से ही देखा जाएगा, और वो पोलिटिकल बहुत बार होता भी है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। देखिए लीगली ईडी के पास अधिकार है किसी को भी समन करने का, और इस केस में कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं उनको पूछताछ में शामिल होना चाहिए, तो इसमें कोई आप लीगल आर्गुमेंट नहीं दे सकते। लेकिन समस्या यह है कि इस वक्त काम कानून को फॉलो करने से ज्यादा ऑप्टिक्स या स्पिन की वजह से किया जाता है, और ऑप्टिक्स ये है कि 30 घंटे की ग्रिलिंग हुई, 40 घंटे की ग्रिलिंग हुई। सच ये है आशु, मैंने कुछ ईडी की ग्रिलिंग को करीबी से देखा है। एक्चुअली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन होती है वो ईडी की इंटरोगेशन नहीं होती है। ईडी की इंटरोगेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसमें 2 सवाल पूछते हैं, फिर बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है, फिर स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिर उसमें करेक्शंस किए जाते हैं, फिर उसको ठीक किया जाता है, फिर काटपीट की जाती है। वो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, और वो थाने की इंटरोगेशन जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इस वक्त इसी वजह से जो ड्यूरेशन है उसका वो पैमाना नहीं है इसकी सीरियसनेस का। ये माहौल बनाने का एक प्रक्रिया है, ये एक एक एक, एक कल्चर बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए ये पार्टी ऐसी है जिसमें टॉप टू बॉटम करप्शन में लोग लिप्त हैं, और इसी नैरेटिव को पुश करने के लिए ये पूछताछ हो रही है। आपने एक सवाल गुरदीप जी से पूछा कि क्या उनको ये डर है कि वो गिरफ्तारी होगी, मुझे ये पूरा भरोसा है कि इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि इतनी समझ उनमें है। और दूसरी बात, ये लीगल ग्राउंड्स पे भी इसमें अरेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए ये पीएमएलए का केस ओरिजिनली सुब्रमण्यम स्वामी की क्रिमिनल पिटिशन का एक नतीजा है। डायरेक्ट एफआईआर एस सच अभी तक पीएमएलए के ऑफेंस के बेसिस पे रजिस्टर राहुल गांधी को नेम करते हुए नहीं हुई है, वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जो कंप्लेंट है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें आईटी भी इन्वॉल्व है। तो मुझे नहीं लगता इसमें गिरफ्तारी होगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो पोलिटिकली इसको करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी इस वक्त जीरो है, और इसीलिए चाहे ईडी कानूनी तौर पे अधिकार क्षेत्र में है अपने पूछताछ करने के, उसको देखा पॉलिटिकल तौर से ही जाएगा। मतलब आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल बैटल ज्यादा है? निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि देखिए जब जगन रेड्डी साहब की अनबन हो गई थी कांग्रेस पार्टी से तो उनके खिलाफ ईडी ने केस रजिस्टर कर लिया था, वो भी पॉलिटिकल बैटल थी। इस सरकार ने भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ केस किया और उसके बाद शांत हो गए। शारदा स्कैम में 2 राजनेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, जब उन नेताओं ने अपना पाला पलट लिया तो कार्रवाई बंद हो गई। शरद पवार के साथ कोशिश की गई महाराष्ट्र इलेक्शन पहले कार्रवाई करने की, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मायावती जी के खिलाफ एक कोशिश की गई कार्रवाई करने की पूछताछ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो नेचुरली जब इस तरीके की जो आपने क्रोनोलॉजी की बात का जिक्र किया या क्रोनोलॉजी का जब कोई जिक्र करता है, आप क्रोनोलॉजी देखिए तो कोई भी एक्शन ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स पे तो कभी होता नहीं ना, उसमें आप टाइमिंग और नैरेटिव और ऑप्टिक्स का ही एक माध्यम दिखता है ये सारे इन्वेस्टिगेशंस, और अभी भी वही हो रहा है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं कि ये कोई मेरिट का चेज नहीं किया जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और पॉलिटिकल एक्टिविटी अपने ही कोर्स को रन करके खत्म भी हो जाती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।